जिसमें कि पाथ डिफरेंस निकालना है मुझे एट पॉइंट पी। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कंडीशन लिखो, ध्यान से कंडीशन लिखो पी पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन होगी, या मैक्सिमा या मिनिमा की क्या कंडीशन होगी, ये आपको लिखना है एट पॉइंट पी। ये क्वेश्चन है। अब प्रॉब्लम क्या है, नॉर्मली जितने क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें सोर्स बिल्कुल मिड पॉइंट पे होता है, तो यहां से जो वेव गई स्लिट S1 और स्लिट S2 तक, S1 एंड S2 तक, हम कहां पे लेते हैं, हम यहां पे लेते हैं, यहां और यहां पार्ट डिफरेंस होता ही नहीं है, क्योंकि जितना वेव ने पीछे इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही दूसरी ने ट्रेवल किया, बात ही खत्म, हम इसमें लेते ही नहीं, पर यहां पर सोर्स बहुत दूर है, तो यहां पर सोर्स बहुत दूर है, और अगर सोर्स दूर है तो यहां पर ये वाली वेव और ये वाली वेव में पार्ट डिफरेंस होने वाला है। कई बुक्स में ये डायग्राम प्लेन ऐसे नहीं गिवन होता, थोड़ा ऐसे गिवन होता है, सोर्स दिखाता है वो आपको ऐसे वेव आते, कोई बात नहीं, एक ही डायग्राम है उसका। तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें ये किया जाता है कि ये डिस्टेंस कितना है डी, आपको ये एंगल दिया जाता है, जैसे सपोज करो आपको वो एंगल देगा, ये मान लो एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा देगा आपको, और ये एंगल क्या देगा फाई, जैसे आज हमने किया थीटा एंड फाई। तो अगर ये डी है तो ये डिस्टेंस, ये वाली जो वेव है ऊपर वाली वेव है उसने ज्यादा दूरी कवर की नीचे वाली वेव से, कितनी ज्यादा इतनी, तो ये इस साइड का क्या आ जाएगा पाथ डिफरेंस। तो बोलो कितना आएगा पाथ डिफरेंस, डी इंटू साइन ऑफ थीटा, क्या स्टेप क्लियर है, तो पाथ डिफरेंस क्या आएगा डी साइन थीटा, और ये वाला पार्ट डिफरेंस अभी हमने निकाला था जो कि क्या है डी साइन फाइव। तो आगे की वेव, ये वाली वेव ने ये वाली वेव से ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, कितना इतना, और पीछे में ये वाली वेव ने इस वेव से ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, कितना इतना। अब किसी ने पूछा कि पी पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव की डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये बताओ। अब मैं कोई यहां से थोड़ी ना बोलूंगा अपना आंसर, अब मैं सबसे पीछे से बोलूंगा, मैं बोलूंगा पीछे पार्ट डिफरेंस इतना है, आगे पार्ट डिफरेंस इतना है, अगर ये पार्ट डिफरेंस पीछे का और आगे का, देखो पीछे से क्या हो रहा है, ऊपर की वेव ज्यादा दूरी कवर कर रही है नीचे की वेव से, और अगले वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, नीचे की वेव ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है ऊपर की वेव से। तो अगर ऊपर की वेव और नीचे की वेव अलग अलग, क्योंकि यहां ऊपर की वेव लेते हैं तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है और यहां से ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, तो अगर ये और ये बराबर हो गए तो पाथ डिफरेंस पी पे क्या हो गया जीरो, तो कौन सी इंटरफेरेंस होगी कंस्ट्रक्टिव। लेकिन अगर ये बड़ा हो गया इससे या ये बड़ा हो गया इससे, मुझे मालूम नहीं इसके डायमेंशन तो गिवन नहीं, तो कंडीशन देखो क्या आएंगी, तो हेडिंग डालो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आप मॉड ले लेना, जो भी बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू को क्या कर देना है माइनस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये पाथ डिफरेंस बड़े में से छोटा जो भी होगा, अगर एन लैम्डा होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और ऐसे ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये जो भी पाथ डिफरेंस होगा, ये लो ये जो भी पाथ डिफरेंस होगा ये क्या आना चाहिए 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई, तो कौन से इंटरफेरेंस है डिस्ट्रक्टिव। ये कंडीशंस एनसीईआरटी ने तीन नंबर में क्वेश्चन में पूछी है, पूरा वाईडीएससी नॉर्मल करा के ये क्वेश्चन डाल दिया, नोट कर लो कैसे कंडीशंस आएंगे, और मेंस वाले ऐसा नीट में तो मैं कह नहीं सकता, मेंस वाले इसके एक स्टेप और ऊपर वो कहेंगे ये कंडीशन तो बनानी आ गई आपको, वो आपको कुछ ऐसी वैल्यू देंगे जैसे फिफ्थ मैक्सिमम बोलो कहां पर होगा, या फिफ्थ मैक्सिमा के केस में क्या, तो एन की वैल्यू यहां पर फाइव पुट करनी है, तो सारी डायमेंशन गिवन होंगी, एक वैल्यू वेरिएबल होगी वो निकालना होगा, मतलब आपको नई कंडीशंस बना के न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा अगर डायग्राम ऐसा कुछ आएगा। एनसीईआरटी में सिर्फ थ्योरी आएगी, कंडीशन लिखने को आएंगी, ठीक है यहां तक, क्या पॉइंट क्लियर है। और अगर फेज डिफरेंस की बात करें तो ये क्या निकाला मैंने पार्ट डिफरेंस, इसको मल्टीप्लाई करो 2 पाई बाय लैम्डा इनटू दिस, तो क्या जाएगा फेज डिफरेंस, वो 2n पाई होगा, अगर पेपर में आ जाए फेज डिफरेंस की कंडीशन लिखो।